राम मंदिर के शिलान्यास मौके पर इस आंदोलन से जुड़े छत्तीसगढ़ के कार सेवक बड़े भावुक हैं। इनमें से एक कार सेवक श्री राम वनगमन शोध संस्थान के अध्यक्ष श्याम बैस हैं, जो उस वक्त को उस मंजर को याद करते हुए कहते हैं, पूरे देश से पहुंचे हजारों कार सेवकों ने मिनटों में विवादास्पद ढांचे को ढा दिया, उसकी नींव में लगी ईंटों को घर ले आए थे। श्याम बैस से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है श्याम बैस जी, जो राम गमन जो संस्थान है, राम वन गमन संस्थान है, उसके अध्यक्ष हैं। इनके साथ बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के लोग गए थे, बाबरी मस्जिद जब ढहा था उस समय कार सेवक बन के गए थे, तो उस समय क्या मंजर था, क्या आपको याद आ रहा है, और अब उस दिन जो आप लोगों ने सपना देखा था, उस दिन आप लोगों ने जो कल्पना की थी, कल साकार होने जा रही है, तो क्या क्या इस समय मन में क्या चल रहा है आपको? उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार सेवा का आह्वान किया गया, उस आह्वान में हर प्रदेश से अपनी अपनी गाड़ी लेकर के और जिस साधन से भी हो सके हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता था और उस कार सेवा में भाग लेना चाहता था। तो छत्तीसगढ़ से भी कम से कम 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। जब कार सेवा होने के बाद पूरा समतल हो गया, उस समय पता चला कि कुछ ईंटें भी आप लोग वहां से लेके आए थे। जी हाँ, वहां हम लोगों ने देखा दो प्रकार के ईंटें मिले। ढांचे का जो ईंटा था वो 8x8 और मोटाई उसकी 1 इंच भर थी, पतले पतले रहते थे और उसका कलर इतना मतलब क्रिम्सन रेड था, मतलब ब्लड रेड कहना चाहिए कि वो इतना था और ऐसा लगता था ये भट्टी से भी निकल के आ रहा है क्या, इतनी ताजगी, पता नहीं कितना पुराना ढांचा और उस ढांचे को मतलब ये उसके मंदिर जो था हमारा। इसको लेकर जो राजनीति चल रही है, एक श्रेय लेने का दौर चला हुआ है। कांग्रेसी बोल रहे हैं कि राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, शिवसेना बोल रही है कि हमने इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, विश्व हिंदू परिषद अलग लगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तो खैर आप जुड़े हुए हैं उससे। इसको लेकर जो राजनीति हो रही है उससे उसके बारे में क्या कहना है? राजनीति के लायक ये विषय था नहीं, लेकिन वाकई में श्रेय इसको लेना चाहते हैं, लेकिन जनता मेरे ख्याल से वो हर चीज को समझ रही है, किसने कितना किया और किसके द्वारा हुआ इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता स्वयं समझदार है। तो ये थे श्याम बैस जी, और निश्चित रूप से आज जब उस दिन की बाबरी मस्जिद जब ढहाई जा रहा था उस घटना का जिक्र हुआ और आज शिलान्यास का जिक्र हुआ तो ये अपनी यादों में खो गए थे। निश्चित रूप से जो कार सेवक उस दौरान वहां पर थे उनके भी मन आज थोड़ा सा व्याकुल होगा कि काश वो शिलान्यास के मौके पर भी वहां होते और उसके भी साक्षी बनते। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।